अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हर सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ और दोस्तों मैं आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दारो हल्दी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, दारो हल्दी को इंग्लिश के अंदर बारबेरी वुड बोला जाता है। और दोस्तों, दिखने के अंदर ये पीले रंग की होती है। और दोस्तों, ये आपको बाज़ार से हर्बल स्टोर से मिल जाती है। और दोस्तों, ये मुख्तलिफ किस्म के इंग्लिश मेडिसन के अंदर यूज़ की जाती है। चाइनीज़ और देसी हर्बल मेडिसन के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, इसे मुख्तलिफ किस्म के जो है क्रीम लोशन वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ मरहमों के अंदर भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, स्पेशली उजलाती जो दर्दें होती है उसे दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाँव में पहुँच आ जाए या जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको कड़ल पड़ जाती है तो वहाँ पर लेप करने से आपकी जो मोच और या कड़ल का जो पेन होता है वो दूर हो जाता है। और दोस्तों, जिसमें से हर किस्म की सोजिश को यह दूर करती है। और दोस्तों, आंखों की इन्फेक्शन के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये मुख्तलिफ किस्म के क्रीम लोशन वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स में, तो इसके इस्तेमाल से जो है स्किन खूबसूरत हो जाती है, कील मुहासे दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, स्पेशल इसके लेप वगैरह यूज़ किए जाते हैं। चलें दोस्तों, ये तो थे दारो हल्दी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस और बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसे ज़्यादातर जो है भरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मजाज है सर्द खुश्क है। और दोस्तों, ऐसे अफराद इसे बिल्कुल ना लें जो सर्द मजाज लोग हैं, जो बलगमी मजाज रखते हैं, उनके लिए ये अच्छी नहीं है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दार हल्दी या दारो हल्दी के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मैंने इस वीडियो को अपना लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है दार हल्दी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलें दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दिए कि जिला फिर टेक केयर।